यहां दो वर्ड्स हैं रिप्लाई और आंसर आंसर और रिप्लाई में डिफरेंस क्या है दोनों तो वैसे सिमिलर वर्ड्स हैं एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं बट यहाँ एक तरह का ये दोनों वर्ड्स के बीच में सपटल डिफरेंस है और वो सप्टल डिफरेंस क्या है आज हम इस वीडियो के थ्रू उस पर डिस्कस करेंगे सबसे पहले बात करते हैं आंसर की आंसर क्या चीज़ है आंसर इज़ अ थिंग रिटर्न और सेड रिएक्शन टू अ क्वेश्चन और सिचुएशन आंसर एक चीज़ होती है जो लिखी जाती है कही जाती है किसी प्रश्न के अभाव में या परिस्थिति के अभाव में ठीक है रिप्लाई रिप्लाई क्या होता है रिप्लाई इज अ रिस्पॉन्स टू अ रिटर्न और अ वर्बल स्टेटमेंट रिप्लाई यहाँ पे क्या है रिप्लाई का मीनिंग देखिए रिप्लाई एक तरह का रिस्पॉन्स होता है जो लिखा जाता है या फिर मौखिक वर्णन होता है मौखिक वर्नन होता है यानी वर्बल स्टेटमेंट होता है दोनों तो के बीच में डिफरेंस यहाँ आप देख सकते हैं तो यहाँ पे एक और मैं डिफरेंस यहाँ बताऊँगा आपको आंसर कैन बी सॉल्व द सिचुएशन आंसर कैन बी सॉल्व द सिचुएशन रिप्लाई डज नॉट सॉल्व द सिचुएशन रिप्लाई डज नॉट सॉल्व द सिचुएशन रिप्लाई जो है वो किसी भी सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं होता बल्कि आंसर जो है वो किसी भी सिचुएशन का सॉल्यूशन होता है एक और आपको डिफरेंस ये बता दूं आंसर कैन बी सॉल्व द क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है रिप्लाई डज नॉट सॉल्व द क्वेश्चन तो ये हो गया डिफरेंसेस रिप्लाई और आंसर के बीच में अब आपको एग्जाम्पल यहां पर मैं दे दू क्वेश्चन ही डज नॉट गिव द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन उसने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया ही डज नॉट रिप्लाई ऑफ माई मैसेज He does not reply of my message. उसने मेरे संदेश का उत्तर नहीं दिया इन दो एग्जाम्पल के बीच में आप डिफरेंस देख सकते हैं ज्यादातर हम जब किसी को मैसेज करते हैं तो सामने वाले का रिप्लाई आता है ना कि आंसर और हम किसी को प्रश्न पूछते हैं तो वो आंसर देता है ना कि रिप्लाई तो ये रहा दोनों के बीच में का डिफरेंस ओके okay?